इस तरह के पीआईएल किए जाए और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ी नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। Alright, let me also now go across to Ashwini Upadhyay, who has now filed this petition in the Supreme Court and has also sought this direction to the Election Commission of India. Ashwini, take us through some of the details of your petition. And we also have a first reaction coming in from Akhilesh Yadav, who has now alleged that the PIL is sponsored by the BJP. Dekhiye, Supreme Court mein meri 100 se zyada PIL chal rahi hai, कोई एक दो पीआईएल नहीं है। और मेरी पीआईएल पे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपराधियों को टिकट न दिया जाए, और अगर टिकट दे रहे हैं तो कारण बताएं, और 48 घंटे के अंदर पूरा आपराधिक ब्यौरा अपने वेबसाइट पे डालें, फेसबुक के पेज पे डालें, ट्विटर पे डालें, और एक नेशनल न्यूज़पेपर और एक नेशनल न्यूज चैनल में प्रकाशित करें। ये पांच चीजें करनी थी। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि ये तो PIL स्पॉन्सर्ड है, उनको ये काम करना चाहिए था। उन्होंने जब अपने डिक्लेयर किए कैंडिडेट, 48 आवर्स के अंदर उनको अपने वेबसाइट पे डालना था, ट्वीट करना था, फेसबुक पेज पे डालना था, एक न्यूज चैनल में डालना था, एक अखबार में करना था। उन्होंने नहीं किया, इसलिए मैंने PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। सीधी सी बात है, यूपी में 400 विधायक चाहिए। इतना बड़ा यूपी, 25 करोड़ का यूपी, क्या यहाँ 400 लोग अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे? जो गुंडे, बदमाश, गैंगस्टर, नाहिद हसन टाइप के गुंडे और एक्सटॉर्शन करने वाले, ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है? ये यूपी का अपमान हो रहा है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ का यूपी, विधायक चाहिए हमें लगभग 400, ये 400 लोग अच्छे लोग नहीं ढूंढ पा रहे? तो कहते नहीं इनके चोर के दाढ़ी में तिनका, खुद गलत काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन कर रहे हैं और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं। मैंने इसलिए मांग किया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है 2020 का, कि जो आदमी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए। मैंने दो मांग किया है, सपा की मान्यता रद्द हो क्योंकि उन्होंने 48 घंटे में कुछ डिक्लेयर नहीं किया। दूसरा, अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट केस चलना चाहिए। अश्विनी जी, ये क्या कारण है कि आपने फिलहाल इस वक्त पर ये पीआईएल दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट पर, और आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव स्पेसिफिकली इस पर इस तरह के एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं? देखिए, ये पीआईएल इसलिए मैं दाखिल किया क्योंकि इस पीआईएल का यूज अभी है, इसकी जरूरत अभी है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि जिस दिन आप कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे 48 आवर्स के अंदर आपको 5 जगह पब्लिश करना है, वेबसाइट पे डालना है, फेसबुक के पेज पे डालना है, ट्विटर पे डालना है, एक नेशनल न्यूज चैनल पे पब्लिश करना, एक नेशनल न्यूज़पेपर पे डालना है। अखिलेश यादव को अपना डिटेल करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ रिपब्लिक में नहीं करते, कहीं और करते, लेकिन उनको पब्लिश तो करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ अखिलेश यादव ने अप्रोच किया, भाई हमारे कैंडिडेट का डिक्लेयर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश कर दीजिए? तो पहले तो कहते नहीं कि पहले गलती करना और फिर ऊपर से दूसरों के ऊपर आरोप लगाना। आप अपराधी को टिकट दे रहे हो, आप माफियों को टिकट दे रहे हो, आप ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हो जो एक्सटॉर्शन में शामिल है, आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हो जिनके खिलाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्सटॉर्शन में चार्जशीट फाइल हो गई है। केवल FIR नहीं है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। चार्जेस फ्रेम होने का मतलब पहले FIR फाइल होती है, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर चार्जशीट के ऊपर बहस करने के बाद जज अपना माइंड अप्लाई करने के बाद चार्जेस फ्रेम करते हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है जहां बाकायदा चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, यानी जज ने अपना माइंड अप्लाई कर लिया है। केवल FIR की बात नहीं है, FIR चलो फिर भी एक बार कह सकते हैं भाई ठीक है, गलत FIR लग गया, लेकिन जहां जज ने चार्जेस फ्रेम किया हुआ है उसके ऊपर आरोप कह रहे हैं कि ये तो, मेरा अपना मानना है कि ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को दोबारा फिर से उसी गुंडा राज की तरफ ले जाना चाहते हैं, गुंडों को टिकट देके, इसलिए अब वो इस बजाय कि वो अपना डिटेल पब्लिश करे, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।